हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अवर चैनल पाठशाला। मैं हूं महेंद्र सिंह और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी करंट अफेयर्स की क्लास MCQ 40। एक बात मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा रिगार्डिंग, सो आप लोगों को प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखना है। बढ़ते आगे अपने आज के क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। हु लॉन्चेस साइबर सुरक्षित भारत, ये आपका कीवर्ड है जिसको आपको पकड़ना है। टू स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी, जी हाँ, तो वो कौन सा डिपार्टमेंट है? मीटी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये डिपार्टमेंट है जिसको शॉर्ट में कहते हैं मीटी, तो ये आपसे पूछ सकता है वैसे तो। दूसरा, अब आपसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा देखिए, तो पहला क्वेश्चन तो डायरेक्ट यही पूछा जाएगा, हु लॉन्चेस साइबर सुरक्षित भारत टू स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी, तो आप लोग लगाएंगे गवर्नमेंट ऑफ मीटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि मीटी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो वो क्या है? साइबर सुरक्षित भारत। और तीसरा, आज की डेट में मीटी डिपार्टमेंट के यूनियन मिनिस्ट्री कौन है? तो वह है रविशंकर प्रसाद। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच स्टेट होस्टेड 8th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वाइल्ड सिल्क मॉथ। वाइल्ड मीन्स जंगली, सिल्क मीन्स रेशम और मॉथ मीन्स कीट पतंगे। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वाइल्ड सिल्क मॉथ किस स्टेट में हो रही है, यानी कौन स्टेट उसको होस्ट कर रहा है? तो वह है असम। अब आपसे इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा देखिए, एक तो डायरेक्ट पूछेगा कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हो रही है, वो है असम। दूसरा, असम की राजधानी के बारे में पूछ सकता है, तो वो है गुवाहाटी। अब इस कॉन्फ्रेंस को करने का फायदा क्या होगा देखिए, जब ये कॉन्फ्रेंस होगी तो आस पड़ोसी देशों से लोग आएंगे, बिजनेसमैन आएंगे, और जब वो देखेंगे कि इस रेशम का क्या क्या यूज होता है, इससे कैसे कपड़ा बनता है और कहाँ कहाँ अलग अलग तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, तो उससे लोगों को रोजगार मिलेगा और उनकी इनकम बढ़ेगी, ठीक, क्योंकि वो उसको खरीदेंगे जो भी हो। तो इस तरह की कॉन्फ्रेंस का मतलब ये होता है, यहाँ पे देखिए लिखा भी है, हेल्प इन इंक्रीजिंग इनकम ऑफ पीपल, ठीक है, हु आर इन्वॉल्व इन सिल्क इंडस्ट्री, जो कि रेशम उद्योग में लगे हैं, उनकी इनकम बढ़ाने के लिए ये कॉन्फ्रेंस की जा रही है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्वच्छ भारत अभियान इसके ऊपर बना है ये क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड है। पूछा क्या गया है, इंडियाज फर्स्ट गार्बेज फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट, कहाँ पे हो रहा है? छत्तीसगढ़ में, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट गार्बेज फेस्टिवल, तो वो क्या है? कचरा महोत्सव 2018। अब क्योंकि छत्तीसगढ़ में हो रहा है तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? रमन सिंह, ठीक। और वहां के गवर्नर कौन है? BL टंडन। BL फुल फॉर्म क्या है? बलराम जी दास टंडन। तो इतने तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच स्टेट हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड वर्ल्ड वार सेकेंड मेमोरियल म्यूजियम, यानी आपको कीवर्ड पकड़ना है वर्ल्ड वार सेकेंड म्यूजियम, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड वार सेकेंड का म्यूजियम है, तो बस आपको ये याद रखना है। ये कहां पे खुल रहा है? अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? प्रेमा खांडू। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि वर्ल्ड वार सेकेंड कब से कब तक हुआ था, तो वो कब से कब तक हुआ था? 1939 से 1945 के बीच, आपको ये भी याद रखना है। तो इतने तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी हाँ, 5 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें एक सिंगल टॉपिक में काफी सारी चीजें कवर होंगी, काफी सारे क्वेश्चन कवर होंगे, तो स्टार्ट करते हैं। इस बार जो फिल्म फेयर अवार्ड हुआ है 2018, उसका 63rd एडिशन था, और ये हुआ कहाँ है? मुंबई में, और इसको होस्ट किसने किया? शाहरुख खान और फिल्म मेकर करण जौहर। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, फिल्म फेयर अवार्ड 2018 को होस्ट किसने किया? शाहरुख खान, करण जौहर। अब देखिए, क्योंकि फिल्म फेयर अवार्ड है तो इसमें काफ़ी सारी कैटेगरी रही होंगी, बेस्ट एक्टर मेल, बेस्ट एक्टर फीमेल, बेस्ट मूवी बाय क्रिटिक्स, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट प्लेबैक सिंगर, है ना, बेस्ट चाइल्ड एक्टर, बेस्ट ये, बेस्ट वो, तो इन सबको आपको पढ़ लेना है। ये नीचे मैंने आपको
लिस्ट दी हुई है पूरी, तो आप लोग अपनी स्क्रीन को पॉज करके ये सब पढ़ लीजिएगा और या फिर नोट कर लीजिएगा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा। इस साल बेस्ट फिल्म किसको मिला है अवार्ड, वो मिला है हिंदी मीडियम को। ये इरफान खान की मूवी थी बेस्ड ऑन करप्शन, इसमें करप्शन को दिखाया गया है। काफ़ी अच्छी मूवी थी, मैंने खुद भी देखी है, बेहतरीन मूवीज़ में एक। और तो आपको बेस्ट मूवीज साल किस कौन सी है, हिंदी मीडियम। लेकिन अगर यही बात की जाए बेस्ट मूवी बाय क्रिटिक्स, तो वो कौन सी है, न्यूटन। अब बेस्ट मूवीज की बात हो गई, तो अब बात करते हैं बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस की। तो बेस्ट एक्ट्रेस इस साल की कौन है, विद्या बालन, जो इनको अवार्ड मिला है तुम्हारी सुलू के लिए। और एक रिकॉर्ड यहाँ पे इन्होंने बनाया है कि इन्होंने 6th बार फिल्म फेयर में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है, 6 बार। तो आपसे ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, विद्या बालन हैज वॉन फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस हाउ मेनी टाइम्स, तो वो 6 बार, ठीक है। और इस साल किसको मिला है, तुम्हारी सुलू के लिए, विद्या बालन को। और यही अगर बेस्ट एक्टर की बात की जाए तो वो इरफान खान को मिला है हिंदी मीडियम मूवी के लिए, बढ़िया मूवी थी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्रिटिक्स अवार्ड जो मेल का है वो न्यूटन के में जो काम किया था राजकुमार राव ने, उनको मिला है, राजकुमार राव को। अब बढ़ते हैं आगे ए बेस्ट डायरेक्टर की बात, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है, तो वो है अश्विनी अय्यर फॉर बरेली की बर्फी। आप लोगों को जो याद रखना है वो है बेस्ट डायरेक्टर अश्विनी अय्यर तिवारी फॉर बरेली की बर्फी। इसके बाद ये सब आप पढ़ लीजिएगा। और एक लास्ट और बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है किसको, अरिजीत सिंह को फिर से। और हाँ एक चीज़ जो कभी कभी पूछ ली जाती है, शॉर्ट फिल्म अक्सर पूछ ली जाती है, शॉर्ट फिल्म, तो बेस्ट शॉर्ट फिल्म फिक्शन किसको मिला है, जूस। और नॉन फिक्शन में किसको मिला है, इनविजिबल विंग्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों के दोनों, तो शॉर्ट मूवीज अक्सर पूछ ली जाती हैं, शॉर्ट मूवीज, बेस्ट शॉर्ट मूवी फिक्शन और बेस्ट शॉर्ट मूवी नॉन फिक्शन, जूस और इनविजिबल विंग्स, एक एक करके, ठीक। तो ये थे 5-6 क्वेश्चन, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द इनॉग्रल फर्स्ट ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 1998 वॉज वॉन बाय, ठीक। एक्चुअली क्या था ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड ब्लाइंड वर्ल्ड कप से मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन एक बच्चे ने कमेंट करके बोला कि सर पहला वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था और कब हुआ था इसके बारे में बताइए। तो हाँ उस टाइम वो छूट गया था, तो मैं अपनी गलती को स्वीकारते हुए आज आपको बता रहा हूँ। तो जो पहला वर्ल्ड कप हुआ था ब्लाइंड लोगों के लिए वो 1998 में हुआ था, ठीक, और वो इंडिया में हुआ था, उसका वेन्यू क्या था, इंडिया। तो इंडिया में फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ था ब्लाइंड लोगों के लिए। और उस वर्ल्ड कप के विनर कौन थे, यानी फर्स्ट एडिशन जो हुआ था वर्ल्ड कप का, उसका विनर थे साउथ अफ्रीका और उन्होंने पाकिस्तान को हराया था फाइनल में, ठीक। और ये हुआ कहाँ था, इंडिया में। तो यानी कि 1998 में हुआ था, कहाँ हुआ था, इंडिया में हुआ था, कौन जीता था, साउथ अफ्रीका। लेकिन 2017 का कौन जीता है, वो जीता है इंडिया ने, ठीक। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, हाँ अभी अभी एक नया चेंज हुआ है, हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त बदल गए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर चेंज हुए हैं, अब वो कौन हो गए हैं, ओपीआर मतलब ओम प्रकाश रावत, ये हो गए हैं हमारे। और 23 जैन से इन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है रिसेंट एग्जाम्स में जो कि आने वाले हैं, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, तो हाँ दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट न्यूज़ की जो मैं आपको बताने वाला था। देखिए अब क्या है, एक्चुअली एग्जाम्स आने वाले हैं, IBPS क्लर्क के एग्जाम भी आ रहे हैं, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई। एक्चुअली जो मैंने आपको पढ़ाया है वो क्लर्क हो चाहे बैंक एग्जाम हो चाहे SSC के एग्जाम हो, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और छटा हुआ मटेरियल बताया, सिलेक्टिव मटेरियल। तो अब ये यहाँ पे मुझे क्या बताना है, बताना ये है कि जिन बच्चे पहली बार ये वीडियोस देख रहे हैं या नए हैं हमारे चैनल पे, उनको अगर प्लेलिस्ट में ढूंढने में दिक्कत होती है तो मैंने एक सेपरेट चीज़ बनाई है। तो आप लोग अपने URL पे करंट अफेयर्स फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स इसको डाल के सर्च कर लीजिएगा, या फिर डायरेक्ट इस लिंक को टाइप करके देख लीजिएगा। वहां पे मैं क्या करूंगा, जितने भी MCQs हैं वन बाय वन डालूंगा फिर से, ताकि आप लोग उसको रिवीजन कर सकें, ठीक है। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल एंड लाइक वीडियोस, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक लिए स्टे ट्यून, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।